कि हमें आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं होती, हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो सम्यक दर्शन शास्त्रों को पढ़ने से, रटने से, नाना प्रकार की अपेक्षाएं समझ लेने से, बाहर के त्याग व्रत ओढ़ लेने से, पहाड़ चढ़ लेने से, समझ में आया, जंगल में रहने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध केवल आत्मानुभूति से है, और आत्मानुभूति उसी जीव को हो सकती है जो वास्तव में आत्मानुभूति चाहता है। अभी तो अपन आत्मानुभूति चाहते ही नहीं, अभी तो अपन के संसार के काम इतने पड़े हुए हैं अपने पे कि अपन आत्मानुभूति के बारे में सोच ही नहीं सकते। महिलाओं से बोलो जैसे कि तुम आत्मानुभूति करो, तो पता क्या उत्तर आता है, कहाँ से करें, रोटी तुम बनाओ, घर के कितने काम, रख दो चार बाइयाँ, हम कर लेंगे सम्यक दर्शन। मैं सच कह रहा हूँ, अगर हिम्मत हो ना तो दो चार बाइयाँ रख ही लूँ, हम वो भी देखते हैं, रख लो करो। नहीं, हकीकत बात है, वो हृदय से स्वीकार करने को राजी हो, अरे मेरी पत्नी तो छोड़ो दूसरे की हो, तो उसके घर की रोटी मैं बना दूंगा, करो सम्यक दर्शन करो। है हिम्मत, झांको अपने में, देखो पता चलेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर बातें करते हैं, अंदर में आत्मा की कोई दरकार है ही नहीं। हमें संसार में इतने काम दिखाई देते हैं, इतने काम दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है एक काम हुए बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते। बच्चे को पढ़ाना है, इसे फर्स्ट लाना है, रोटी बनानी है, घर की साफ सफाई करनी है, इसको ऐसा लगता है ये काम पूरे हो जाएंगे। देखो कल्पना कल्पना, और एक दिन मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा, फिर आप समझाना सम्यक दर्शन क्या होता है। अरे भव पूरा हो जाएगा, ये संसार के काम कभी खत्म नहीं होते, और खत्म हो भी गए गलती से तो तुम खत्म हो जाओ, क्योंकि उन्हीं कामों के कारण तो तुम जिंदा हो। जिसने आत्मा, देखो समझो मेरी बात, जिसने आत्मा नहीं जाना उसे कर्तृत्व चाहिए। क्या बोला, जिसने आत्मा को नहीं जाना उसे कुछ ना कुछ कर्तव्य, कुछ काम धंधा चाहिए, वरना डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। ये डिप्रेशन के मरीज देख लेना तुम जितने हैं, ये वे ही हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है। जिसकी तीन बेटी सिर पे बैठी हो शादी के लिए, उससे पूछो डिप्रेशन क्या होता है, वो कहता बकवास बंद करो, ये डिप्रेशन डिप्रेशन होता क्या है, समझ में भागता है वो। डिप्रेशन होता किनको है, जिनके लिए बाहर में कुछ काम बचा नहीं, अंदर की कुछ खबर नहीं, अब बीच में वो गिल्ली डंडा तो पेंडुलम दिमाग हो ही जाना है, इधर इधर, इसका नाम डिप्रेशन है। समझ में आएगी नहीं समझी, ये पेंडुलम तो समझते हो ना, इधर से इधर होता रहता है, समझा। तो अपन क्या, संसारी का पेंडुलम इसी तरफ है, बात खत्म हो गई, वो लगा बना संसार में, और मोक्ष मार्ग का इस तरफ है, और जो ये बीच वाला है, नहीं संसार के काम बचे नहीं, मोक्ष मार्ग पता नहीं, उसे समझ में नहीं आता क्या करूं, कोई हो, इसका नाम डिप्रेशन। दोनों तरफ बेचारा करे क्या, इसीलिए अभी तो अपन को सम्यक दर्शन की दरकार नहीं है। ये जो देखते हो जी अपने श्रोता, क्या हाल है श्रोताओं के, है कोई दो दिन आता है, फिर तीन दिन गायब हो जाता है, फिर कहीं चले जाते, फिर बैठ जाते हैं, सुन ले, इसका मतलब क्या है, अभी सम्यक दर्शन से कोई मतलब ही नहीं। ये तो अपन परंपरा चला रहे हैं कि मंदिर में स्वाध्याय होना चाहिए, तो चल रहा है, और कल के दिन मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ दूसरा पंडित बैठा होगा कि आप चलाओ, नहीं बोलो, अगर मैं कल नहीं रहूंगा तो यहाँ दूसरा पंडित बैठाओगे कि नहीं बैठा, या बैठ जाओ भैया, कि क्या हुआ कि विवेक जी थे वो चले गए,
है तो आप क्या चला कि आपने विवेक जी से क्या सुना? अरे सुनता कौन है, यहां सिर्फ परंपरा चलती है, ये सारी दुनिया परंपरा ही तो चल रही है। मुसलमान 3 बार 5 बार नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं, उसे पूछो क्या अर्थ है, कुछ नहीं चल रहा है। हिंदू अपनी राम कथा सुनने पहुंच जाता है, तुम अपनी जैन कथा सुनने पहुंच जाते हैं, और है क्या इसमें कोई धर्म हो सकता है? धर्म की संभावना है क्या? तो अपने को अभी तो उस जाति की अंदर में यही रुचि नहीं आई कि मुझे वास्तव में आत्मा का अनुभव करना है, अभी तो अपन को यही ईमानदारी नहीं आई अंदर, पर अनुभूति कहाँ से होगी? फिर ये बातें करते हैं, क्या करें हम, कोशिश तो बहुत करते हैं जी। अरे काय की कोशिश, कौन सी कोशिश? कभी कभार संसार से ज्यादा थक गए, आंख बंद कर ली, मुझे तो आत्मा चाहिए, ऐसे नहीं मिलता आत्मा। उसकी रुचि बहुत गहराई में जाके करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आत्मा रसगुल्ले जैसा नहीं है। रसगुल्ला खाने की रुचि हुई, रसगुल्ला माँ वाला है बना के खा लिया, ऐसा आत्मा नहीं है बिल्कुल भी। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, अमूर्तिक है, और इतनी स्पीड से उसमें गेज लगते हैं, ऐसी बाहर की रुचि पड़ी हुई है कि वो कहाँ छुपा रहता है पता ही नहीं चलता। आत्मा को प्रकट करने के लिए, बाहर में निकालने के लिए, अनुभव करने के लिए इतनी गहरी रुचि चाहिए होती है कि संसार के किसी भी पर पदार्थ की रंच मात्र भी रुचि नहीं रहनी चाहिए। अगर हमें पैसे की, मकान की, दुकान की, संयोगों की जरा सी भी अंतरंग में रुचि है, रुचि माने समझ गए, एकत्व है, उनमें सुख की कल्पना है, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, ऐसी जरा सी भी कल्पना है तो आत्मानुभूति नहीं हो सकती। ये आत्मानुभूति की शर्त है।